अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। MCX पर कॉटन की कीमतों में अचानक से गिरावट देखने को मिल रही है। एक वक्त था जब MCX पर कॉटन के दाम 50,000 का आंकड़ा पार कर गए थे, वहीं अब 43,000 तक दाम नीचे गिर चुके हैं। यह गिरावट सिर्फ घरेलू बाजारों में ही नहीं बल्कि विदेशी बाजारों में भी बनी है। ICE पर कॉटन के दामों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। ICE पर कॉटन के दाम $134 प्रति LBS तक पहुँच चुके हैं। मई की शुरुआत में यही दाम $155 तक थे। ICE पर कॉटन के दाम अपने 11 सालों के हाई से नीचे गिरे हैं। दरअसल विदेशों से खबरें आ रही हैं कि कपास के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में मौसम की स्थिति कपास के लिए अनुकूल है और सप्लाई भी अच्छी बताई जा रही है, और विदेशों में बनी इस गिरावट का ही असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। व्यापारियों के अनुसार 22 मई तक अमेरिकी कपास की फसल 54% लगाई जा चुकी है, जो कि औसत गति से आगे ही चल रही है और पैदावार भी अच्छी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं महंगाई के दबाव के बीच स्टॉकिस्टों और व्यापारियों की तरफ से कपास की मांग कमजोर होती दिखी है। USDA ने 2022-23 में वैश्विक कपास आपूर्ति के लिए अपने पूर्वानुमानों को कम किया है। USDA के अनुसार 2.6 मिलियन गांठ के जरूरत से ज्यादा बिगिनिंग स्टॉक से उत्पादन में वृद्धि हुई है, जबकि खपत और अंतिम स्टॉक यानी एंडिंग स्टॉक भी कम होने का अनुमान लगाया गया था। वहीं IMD ने अप्रैल में सामान्य बारिश की भविष्यवाणी के बाद जून से सितंबर के बीच अधिक सामान्य वर्षा की संभावना जताई है। वहीं मौजूदा सीजन में कपास और धागे की कीमतों में जोरदार वृद्धि के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबंधित अधिकारियों को कपास पर आयात शुल्क माफी को 31 दिसंबर तक बढ़ाने के संबंध में मामले को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का बिग ब्लिस। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।